फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, क्या आपके चेहरे पे झाइयों की प्रॉब्लम है, दाग धब्बों की प्रॉब्लम है, आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा टेनिंग है और आप चाहते हैं कि आपकी झाइयाँ ठीक हो जाए? तो आज मैं जो रेमेडी लेके आई हूँ बहुत ही खास रेमेडी है झाइयों के लिए, दाग धब्बों के लिए, और साथ में अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा झुर्रियों की प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो जाएगी, और आपकी स्किन ढीली हो गई है तो वो भी ठीक हो जाएगी। और फ्रेंड्स, जब झाइयों की प्रॉब्लम होती है तो आप बहुत सारे ट्रीटमेंट लगा चुके होते हैं, बहुत सारी क्रीमें लगा चुके होते हैं, तो आप जब कोई भी रेमेडी लगा रहे हैं तो जो आप रेमेडी लगाते हैं उसे लगाने का एक तो तरीका होता है कि अगर आप दिन में लगा के और धूप में जा रहे हैं तो वो रेमेडी काम नहीं करेगी। तो आप क्या करें, जब भी कोई भी रेमेडी लगाएं तो अपनी झाइयों पे लगाने से पहले आप देख लें कि आपको घर में ही रहना है तो आप दिन में लगा सकते हैं, और अगर आप नाइट में लगाते हैं तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप झाइयों के लिए कोई भी रेमेडी लगाएं, ज़्यादा काम करेगी अगर नाइट में लगाते हैं तो। और आज जो मैं रेमेडी बता रही हूँ, अगर आप इसे लगाएंगे तो आपकी झाइयों की प्रॉब्लम जो है वो जड़ से चली जाएगी। तो चलिए फटाफट से देखते हैं इसे बनाना कैसे है। तो फ्रेंड्स, इस फेस पैक को बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ आधा चम्मच चंदन पाउडर। चंदन पाउडर आपकी झाइयों को ठीक करता है, दाग धब्बों को ठीक करता है, आपकी स्किन पे जो टेनिंग हो चुकी है उसे ठीक करता है। तो मैंने यहाँ पे आधा चम्मच चंदन पाउडर लिया है। तो फ्रेंड्स, चंदन पाउडर आपको आधा चम्मच लेना है। उसके बाद इसके अंदर लेना है आपको लाल मसूर दाल का पाउडर। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे डेढ़ चम्मच लाल मसूर दाल का पाउडर लूँगी, और जो लाल मसूर दाल का पाउडर जो है आपके चेहरे की झाइयों को ठीक करेगा, आपके कलर को फेयर बनाएगा, आपकी स्किन पे टेनिंग है तो उसे भी दूर करेगा। तो लाल मसूर दाल का पाउडर आप घर पे बना सकते हैं, इससे आपके कलर पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा टेनिंग है, आपकी स्किन का कलर डल सा दिखाई दे रहा है, तो आप इसे ज़रूर ले। लाल मसूर दाल का पाउडर जो है वो बहुत अच्छा होता है झाइयों के लिए, दाग धब्बों के लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे आधा चम्मच चावल का आटा लिया है। फ्रेंड्स, चावल का आटा आपको आधा चम्मच लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। और चावल का आटा हम सब जानते हैं हमारी स्किन के लिए कितना अच्छा होता है। तो यहाँ पे इन सब को लेने के बाद आपको लेनी है थोड़ी सी कस्तूरी हल्दी। तो फ्रेंड्स, कस्तूरी हल्दी अगर आपके पास नहीं है तो आप किचन वाली भी ले सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ बादाम ऑयल। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर थोड़ा सा बादाम ऑयल ले रही हूँ। अगर आपके पास बादाम ऑयल नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल भी थोड़ा सा इसके अंदर डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो रेमेडी है सभी स्किन वालों को सूट करेगी। आपके अगर आपकी स्किन जो है सेंसिटिव है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, ड्राई है, सभी स्किन वालों को सूट करेगी। उसके बाद इन सबको मिक्स करने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ पोटैटो जूस। तो फ्रेंड्स, आलू का रस जो है आपकी झाइयों को ठीक करता है, आपके कलर को फेयर बनाता है। आलू का रस जो है ब्लीच का काम करता है चेहरे पे। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर आपको थोड़ा थोड़ा करके आलू का रस जो है मिक्स करना है, ताकि अच्छे से ये हमारी रेमेडी जो है मिक्स हो जाए। और आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने 3 से 4 चम्मच आलू का रस डाला है, और अच्छे से मैं इसे मिक्स करूंगी। थोड़ा थोड़ा करके आपको आलू का रस डालना है और इसे अच्छे से मिक्स करना है। ध्यान रहे इसके अंदर लम्स ना रहे, तो अच्छे से आप 1 से 2 मिनट मिक्स करेंगे तो ये रेमेडी हमारी तैयार हो जाएगी बनके। और इसे आप अपने चेहरे पे लगाएंगे तो आपकी जो झाइयों की प्रॉब्लम है चेहरे पे वो तो ठीक होगी, साथ में आपके कलर को फेयर भी बनाएगी। बहुत अच्छी रेमेडी है, आप इसे ट्राई करेंगे तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और मैंने इसे मिक्स कर लिया है, इसे ना पतला करें ना ही गाढ़ा बनाएं, अच्छे से इसे मिक्स करें। उसके बाद इसे पूरे चेहरे पे लगाएं, और इसे लगाने से पहले अपने फेस को अच्छे से वॉश करें, उसी के बाद इसे लगाएं। तो चलिए फटाफट से इसे पूरे चेहरे पे लगा लेते हैं। फेस पैक को 15 मिनट के लिए लगा के रखना है, उसके बाद अपने फेस को ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। और मैंने 15 मिनट के लिए इसे लगा के छोड़ दिया, उसके बाद अपने फेस को ठंडे पानी से धो लिया है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। आपके चेहरे की जो हर प्रॉब्लम है उसे ठीक करना चाहते हैं तो आप इस फेस पैक को जरूर लगाएं। अपने स्किन पे ग्लो लाना चाहते हैं, दाग धब्बों को ठीक करना चाहते हैं, झाइयों को ठीक करना चाहते हैं, तो इस रेमेडी को जरूर ट्राई करें।
क्योंकि ये रेमेडी जो है आपकी झाइयों पे बहुत अच्छा काम करेगी, दाग धब्बों को ठीक कर देगी। और अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा पुरानी झाइयाँ हैं तो उन्हें भी ये ठीक करके आपके कलर को फेयर बनाएगी। तो फ्रेंड्स, ये रेमेडी अगर आपको पसंद आई है, वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।